लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक बहुत बड़ा डिस्कशन मेरे अगेंस्ट चलता है कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट हूँ। मैंने एक वीडियो कर दिया कि कोचिंग इंडस्ट्री की सच्चाई, तो मेरे को कर दिया कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ बच्चे कोचिंग छोड़ दें। मैंने नहीं बोला डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, गोइंग टू अ फिजिकल कोचिंग इज ऑलवेज बेटर देन वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स। बार बार बोलूंगा, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप कोचिंग जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ। मैं कभी नहीं कहता कि कोचिंग इंडस्ट्री बड़ी बड़ी जो खुली है, जो मोटी मोटी फीस लेती है, वो खराब पढ़ा रही है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है। इतने बड़े बड़े टीचर्स आते हैं वहां, मेरे से कहीं अच्छे, कैसे खराब हो सकती है, अच्छी होती है। मुझे प्रॉब्लम है फीस से, कि फीस ज्यादा है, मुझे प्रॉब्लम से पूछे। अब कई लोग बोलेंगे वो फीस वर्थ है, तो ठीक है उनके हिसाब से वर्थ है, पर उन बच्चों का क्या जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी क्या गलती है यार, वो तो पैदा हुए ना, मतलब कहां उनकी कहां गलती है। मुझको इस चीज पे प्रॉब्लम है सर, कोचिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं मुझको, कोचिंग अच्छी है यार, टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। लव यू टू। सर पबजी खेलते हो? नहीं, मैं कोई गेम नहीं खेला, ना पबजी खेला, ना पोकेमॉन गो खेला, ना उसके पहले क्या आया था बीच में, मैं कभी मोबाइल गेमिंग के कभी चक्कर में नहीं पड़ा और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं उस एडिक्शन में नहीं फंसा। ऑलरेडी एक एडिक्शन फिजिक्स पाल के रखा हुआ है, इसके सिवा एक और एडिक्शन पाल लूंगा तो क्या होगा जीवन में मेरा। घर वाले वैसे ही परेशान रहते हैं, मेरे रूम की आप लोगों ने हालत नहीं देखी है, तुमको क्या लगता है सर का रूम बहुत सुंदर सा है, तुम लोगों ने हालत नहीं देखी मेरे रूम की, क्या रहती है किताबें किस तरह से बिखरी रहती हैं। तो एक और एडिक्शन पाल लिया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी यहाँ से।